नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। जो कोई भी डोज़र की ट्रेनिंग और डोज़र की मशीन लेना चाहता है वो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उन्हें ट्रेन कर सकें और साथ में स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करा सकें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्टर कोडिंग के बारे में। बहुत सारा कंफ्यूजन है कई लोगों को कि इंजेक्टर कोडिंग होती क्या है, इंजेक्टर के कोड क्या होते हैं। जो सेंसर के ऊपर लिखा है वही उसके कोड हैं और वही हमेशा उसके कोड रहते हैं। कोडिंग कितने प्रकार की है और ये इंजेक्टर कोडिंग आखिर किस तरीके से हमारी लाइन में आई, किसने इन्वेंट करी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इंजेक्टर कोडिंग्स को डेवलप करने वाली जो कंपनी थी वो थी डेंसो, जिसने क्यूआर कोड का इन्वेंशन किया, जो आम हमारे प्रोडक्ट्स पे भी आज हम खरीदते हैं ऊपर क्यूआर कोड होते हैं। जैसे इस समय आप देख रहे हो डेंसो का इंजेक्टर है और ये यहाँ पे क्यूआर कोड है, ये हम डेली प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं। तो ये डेंसो की ही देन है कि क्यूआर कोड जो है उन्होंने डेवलप किया और आज हर जगह पे है। तो इसको डेवलप करने वाले थे जो कंपनी थी वो डेंसो थी। अब कोडिंग होती कितने प्रकार की है, जब इंजेक्टर दो प्रकार से हम कोडिंग को मान के चलते हैं। पहला ये है कि जब इंजेक्टर बनता है तो उसका एक नेचर होता है, उस इंजेक्टर का एक नेचर है। नेचर कैसे है कि 1600 बार पे 1000 पल्स पे वो 45 ml तेल दे रहा है और 1200 बार पे 900 पल्स पे वो 30 ml तेल दे रहा है और 300 बार पे 300 पल्स पे वो 2 ml तेल दे रहा है। ये एक एग्जांपल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर उसका नेचर है कि वो इतने पल्स पे और इतने बार प्रेशर पे एक्स वाई जेड सी सी तेल दे रहा है। तो उसके हिसाब से उसका एक नाम रखा जाता है, उस नाम को कहते हैं कोड। तो वो कोड उस इंजेक्टर की जब वो बनता है फैक्ट्री में, वो कोड उसके सेंसर के ऊपर डाल दिया जाता है कि भाई ये इसका कोड है। क्यों डाला जाता है कि जिस भी कंपनी के पास ये इंजेक्टर जाएगा, अब डेंसो ने बनाया और टोयोटा के पास गया, तो टोयोटा वालों का फर्ज है कि वो इस कोड को जब इस इंजेक्टर को किसी इंजन में इंस्टॉल किया उन्होंने, तो उस गाड़ी के ईसीयू को वो बताएं कि भैया इस इंजेक्टर का नाम ये है, और उससे ईसीयू को पता चलता है कि अच्छा ये 1600 बार पे इतना तेल देता है तो मेरे को उसी हिसाब से इसे करंट देना है। ये नहीं कि पल्स जो है मैं अनाप शनाप देर के लिए इसको दिए जा रहा हूँ और ये एक्स्ट्रा तेल दे रहा है या कम तेल दे रहा है ना, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इस वजह से कोडिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक कोडिंग क्या हुई कि फैक्ट्री में बना, उस समय इसके नेचर के हिसाब से इसका एक नामकरण किया गया कि इसका नाम है राम। ठीक, अब वो लगा वहाँ पे गाड़ी में। तो दूसरी कोडिंग क्या हुई कि हमने इस कोड को स्कैनर के जरिए ईसीयू के अंदर डाला। अब ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि कोडिंग क्या होती है कि ऊपर लिखे हुए कोड को ईसीयू में स्कैनर के जरिए फीड करना ही कोडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक स्टेप है, उससे पहले जो स्टेप है वो ये है कि जब इंजेक्टर बनता है तो उसका जो नेचर है उसके हिसाब से उसका नाम रखना पड़ेगा भाई। तो नाम जब रखेंगे वो उसका कोड हम कह सकते हैं, वो कोड जो है आपको अभी तो फैक्ट्री से बन गया तो फैक्ट्री वालों ने डाल दिया। अब क्या हुआ, ये गाड़ी चली रोड पे और रोड पे जब वो गाड़ी चली उसमें गंदा डीजल डला, वो इंजेक्टर खुल करके हमारे पास आ गया। अब खुल करके हमारे पास आ गया, हमने क्या किया, उसके अंदर टिक्की डाल दी, उसके शिम सेटिंग कर दी और टनाटन कर दिया और जाओ गाड़ी में लगाओ। अगर गाड़ी में नॉकिंग नहीं हुई तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, अगर गाड़ी में नॉकिंग आई तो कोई और दिक्कत होगी। मैक्सिमम ऐसा ही होता है जब हम सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं और नॉकिंग गाड़ी में बनी रहती है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब मैंने इस इंजेक्टर को जिसका नाम राम था, ये जब खराब हुआ और आया और इसको मैंने जब नई टिक्की डाली और शिम सेटिंग करी, तो पहले 1600 बार पे वो 45 ml सीसी तेल दे रहा था 1000 पल्स पे, लेकिन अब वो 1600 बार और 1000 पल्स पे शायद 41 सीसी तेल दे रहा है। हालांकि रीडिंग रेंज में है, 41 और 45 ये रेंज में है,
जो भी इसका एक टेस्ट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ये रेंज में है, क्योंकि टेस्ट चार्ट कहेगा कि 35 से 48 तक तेल होना चाहिए 1600 बार पे, तो हमारा 41 आ गया तो भी हम सही मान रहे हैं, 45 था तो भी सही था, लेकिन उसका नाम बदल गया है क्योंकि उसका करेक्टर बदल गया है। अब वो 1600 बार पे पहले 45 ml दे रहा था, 41 ml दे रहा है, तो उसका एक नया नाम है। वो नया नाम क्या है हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारी मशीन कोड जनरेट करने में असक्षम है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पास अच्छी मशीनें हैं जो कोड जनरेट कर सकती हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो अच्छे से समझ लें कि भाई जब आप इंजेक्टर रिपेयर करते हो तो उसका एक नया नाम आ जाता है। अब वो नया नाम क्या है ये हमको नहीं पता है, इस वजह से ECU को पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वो तो राम के अकॉर्डिंग राम को खाना दे रहा है कि राम का पेट भैया बड़ा है तो राम को ज़्यादा खाना देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे राम नहीं है, अब यहाँ पे XYZ व्यक्ति आकर के बैठ गया है, तो उसको भूख लगती है कम और खाना मिल रहा है वहाँ से ज़्यादा ECU से, तो वो तो फिर हो सकता है ज़्यादा तेल दे उसको, वो इंजेक्टर फिर जो है जब ज़्यादा करंट मिलेगा तो ज़्यादा तेल देगा और गाड़ी में नॉकिंग बन जाएगी, या हो सकता है कम करंट मिले और कम तेल दे तो भी नॉकिंग बन जाएगी, तो दोनों ही परिस्थिति हैं। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो कंपनीज हैं, जैसे बॉश है और डेल्फी है, डेंसो है और कॉन्टिनेंटल है, तो कॉन्टिनेंटल और सीमेंस एक ही कंपनी है, तो इनके लिए जो कोडिंग्स हैं वो कितने करेक्टर की होती हैं, कितने डिजिट्स की होती हैं, और उनके क्या क्या जो है नाम है, अलग अलग कोडिंग के अलग अलग नाम हैं। तो बॉश के लिए जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, बॉश के ये कोडिंग जो होती है उसको कहते हैं IMA कोडिंग। तो IMA कोडिंग जो है वो इंजेक्टर मंच एब्लेशन कोडिंग, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब ये है कि इंजेक्टर क्वांटिटी जो है वो ऑफसेट जो है, इंजेक्टर क्वांटिटी ऑफसेट, यानी पहले जैसे अभी हमने बात करी कि इंजेक्टर 1600 बार पे 1000 पल्स पे 45 ml तेल दे रहा है, लेकिन अब वो दे रहा है 41 ml जब हमने उसको रिपेयर कर दिया, तो रिपेयर करने के बाद वो 41 ml दे रहा है, तो पहले के मुताबिक वो क्वांटिटी जो है डेविएट हो गई है, वो अब दूसरी क्वांटिटी है, तो उसका कोड भी दूसरा होगा, तो वो उस जो क्वांटिटी डेविएशन है, चाहे वो 1600 बार पे हो, 1200 पे हो, 300 पे हो, 600 पे हो, वो उस एक इंजेक्टर की अलग अलग प्रेशर पे जो ऑफसेट हो रही है रीडिंग, उसके अकॉर्डिंगली वो कोड जनरेट होगा, वो 6 से 10 डिजिट का होता है। बॉश के लिए अगर हम देखें तो ये रहा यहाँ पे आपका 10 कैरेक्टर्स का जो है कोड है, ये 6 से 10 कैरेक्टर्स का होता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा 10 का ही हो, इस तरीके से यहाँ लिखा रहता है। उसी तरीके से डेल्फी के लिए जो कोडिंग है उसे C2I C3I कोडिंग कहते हैं, C2I आपकी जो है 16 डिजिट की जो कोड्स होते हैं उसको कहते हैं, C3I वो है जो 20 डिजिट्स के कोड हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के एग्जांपल हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास इंजेक्टर ये C3I इंजेक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 ही नीचे हैं, तो 20 कैरेक्टर्स के यहाँ पे कोड हैं, और इसके साथ में C2I इंजेक्टर ये रहा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 डिजिट का ये कोड है, ये C2I का है। इस तरीके से हम इसको डिफर कर सकते हैं कि C2I और C3I इंजेक्टर कौन से हैं, तो ये इसके कोड हैं। ये हमारे पास ICC कोड्स होते हैं, ये 6 डिजिट के हैं यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल या सीमेंस के लिए होते हैं, और QR कोड आप देख ही चुके हो डेंसो के लिए, ये जो कोड है अगर आपका ये मिट गया तो QR कोड को स्कैन करके आप जो है ये कोड निकाल सकते हो, ये लगभग आपके 24 से 30 डिजिट्स के होंगे डेंसो के लिए, तो इस तरीके से आप जो है कोड्स को देख सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि मशीन पे किस तरीके से ये कोडिंग जो है जनरेट की जाती है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मशीन पे कोडिंग आपको अगर जनरेट करनी है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कि जो भी उस इंजेक्टर का टेस्ट चार्ट है, ठीक, जैसे अभी टेस्ट चार्ट क्या होता है ये देखते हैं। चलो अब यहां पे हम टेस्ट करें कॉन्टिनेंटल का इंजेक्टर जो वेंटो में लगता है, टेस्ट चार्ट से मेरा मतलब है यहाँ पे ये चार्ट दे रखा है कि भाई XYZ प्रेशर पे इतना ml जो है तेल यहाँ पे आना चाहिए, तो हर पॉइंट का जो ये आएगा तेल वो
रेंज में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे रेंज दे रखी है कि 40 से आपका 6.4 से लेकर के 73.6 तक ये रिटर्न होनी चाहिए, तो ये इस रेंज में ही होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। तो सारी रीडिंग्स ओके होनी चाहिए, उसके बाद कोड जनरेट करना बनता है, नहीं तो कोड जनरेट करना बेकार है। यहाँ पे इंजेक्टर का जो है कैपेसिटेंस भी आ रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका सीमेंस या कॉन्टिनेंटल में इंजेक्टर का कैपेसिटेंस नापना होता है, तो वो इसमें दिख रहा है साफ साफ 2.8 माइक्रो फैराडे। ये हमारा इंजेक्टर है, ये उसकी इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे जो है रीडिंग चलेगी। आप देखिए यहाँ पे पहली रीडिंग आपकी जो है ओके हो गई, तो इसी तरीके से सारी रीडिंग्स हम चलते हैं बिल्कुल एंड में। लगभग ये इसमें कंप्लीट और आगे भी सारी रीडिंग्स जो है ओके होती जा रही हैं। तो जब ये सारी रीडिंग्स ओके हो जाएंगी उसके बाद ही आपको कोड जनरेट करना है, उसके बिना आपको कोड जो है जनरेट नहीं करना है। अब कोड जनरेशन के समय क्या होता है, कोड जनरेशन के समय ये जो कैरेक्टर्स आप देखते हो कोड के, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये एक ग्राफ का जो है एंड रिजल्ट है। ग्राफ का एंड रिजल्ट मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि अभी इसने पहली रीडिंग ली है बैक की कि रिटर्न कितना है, ठीक, तो उसके हिसाब से एक लाइन बन गई है, ग्राफ है ये पूरा, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे आ गई है, ये लाइन यहाँ पे आ गई है, तो ये दर्शा रही है कि इतने प्रेशर पे और इतने माइक्रो सेकंड पल्स एक्चुएशन पे ग्राफ इस तरीके से, ग्राफ आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इस इंजेक्टर के लिए ग्राफ ऐसे उठा है। आगे आने वाली सभी रीडिंग्स के अनुसार ये ग्राफ जो है अलग अलग अपनी दिशा लेगा। जैसे अब यहाँ पे इसने देखिए अगली रीडिंग में जो है ये ग्राफ इस तरीके से डेविएट हो गया है, तो पूरी रीडिंग्स चलेंगी दोबारा और ये ग्राफ बनेगा, और एट द एंड क्या होगा देखिए यहाँ पे अंत में, अब ये ग्राफ, ये रीडिंग बिल्कुल खत्म होने वाली है। हाँ, अब जब ये रीडिंग खत्म हो गई है तो एट द एंड मशीन ने आपको एक कोड जनरेट करके दे दिया कि इस इंजेक्टर का ये ICC कोड है और ये ही आपको ECU में इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो है आपकी गाड़ी में नॉकिंग वगैरह सब खत्म हो जाएगी, चाहे वो बॉश का हो, डेल्फी का हो, डेंसो का हो या कॉन्टी का हो। तो आपको जो है ये समझना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोडिंग किस में है। तो सबसे ज़्यादा मेरे क्या, जितने भी हमारे लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे उनके हिसाब से भी डेल्फी में सबसे ज़्यादा कोड की ज़रूरत पड़ती है। डेल्फी में कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।